हेलो, वेलकम टू एक्मे स्मार्ट इनोवेशंस। आज हम देखेंगे एक बहुत ही सिंपल सर्किट, दैट इज अ सिंपल बगलर अलार्म। ये बगलर अलार्म आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास बैटरी है, ट्रांजिस्टर है BC547, रेजिस्टेंस है, LED है और बजर है। ये दो वायर्स हैं, अगर आप इन वायर्स को टच करेंगे अपने हाथ से, अगर आप इन वायर्स को टच करेंगे तो LED ग्लो करेगी और बजर बीप करेगा। तो चलिए देखते हैं हाउ इट वर्क्स। ये सर्किट ट्रांजिस्टर पर बेस्ड है। यहाँ पर ट्रांजिस्टर एज अ स्विच काम कर रहा है। ये देखिए, ये ट्रांजिस्टर का बेस है, ये एमीटर है और ये कलेक्टर है। ये BC547, ये BC547 है। इसका एक एंड यहाँ पर फ्लैट होता है और अगर आप ऐसे देखेंगे यहाँ पर कर्व्ड है। अगर आप फ्लैट एंड अपने टूवर्ड्स फेसिंग यू रखेंगे, अपनी तरफ फेस रखेंगे फ्लैट एंड का, तो आपका ये जो राइट लेग होती है ये होती है एमीटर, जो लेफ्ट लेग होती है ये होती है कलेक्टर एंड मिडल वन इज बेस। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, इसका मतलब अगर ये फ्लैट सरफेस, अगर आप इसको लगाएंगे फ्लैट सरफेस अगर आपकी तरफ है तो राइट हैंड साइड इज एमीटर। तो अगर आप इसको माउंट करेंगे तो ये एमीटर है राइट हैंड साइड, सेंटर वन बेस है और लेफ्ट वन जो है ये कलेक्टर है। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे आप इसको माउंट करेंगे। तो ये ट्रांजिस्टर यहां पर एज अ स्विच काम कर रहा है। ये देखिए, कलेक्टर पर हमने डायरेक्ट 9 वोल्ट का पॉजिटिव कनेक्ट किया है और यहां से हमने एक वायर ली है। इसके बेस को रेजिस्टेंस के थ्रू हमने यहां पर वायर कनेक्ट किया है। ये रेजिस्टेंस हमने इसलिए लगाया है क्योंकि अगर बाई चांस ये दोनों वायर शॉर्ट हो जाती हैं तो ये LED बर्न ना हो जाए, क्योंकि एकदम हाई करंट चला जाएगा, हम 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहे हैं। अब जब हम यहाँ पर इसको, मैं फिंगर से इन दोनों वायर्स को टच करूँगी, हमारी बॉडी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी और सर्किट क्लोज हो जाएगा। तो जब मैंने इन दो वायर्स को टच किया तो यहाँ से जो करंट है ये बेस पे चला गया, जिसने इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर दिया। और जब ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तो ये वोल्टेज कलेक्टर से एमिटर पर चली जाएगी, जिससे हमारी LED ग्लो हो जाएगी और LED के सीरीज में हमारा बजर है, तो हमारी LED और बजर, LED ग्लो हो जाएगी और बजर साउंड करेगा। तो ये प्रिंसिपल है इस सर्किट का। चलिए देखते हैं, इसी सेम कॉन्फ़िगरेशन में हमने ये सर्किट कनेक्ट किया है। आप देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर है, जैसे आपको अभी दिखाया। अगर ये फ्लैट सरफेस आप अपनी तरफ रखेंगे, राइट हैंड साइड एमीटर है, मिडल वन बेस है एंड लेफ्ट हैंड साइड कलेक्टर है। जैसा हम सर्किट में देख रहे हैं, ट्रांजिस्टर का एमीटर LED के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो ये ट्रांजिस्टर का एमीटर राइट हैंड साइड हमने जम्पर वायर के थ्रू LED के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है। LED का नेगेटिव बजर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है और बजर का नेगेटिव यहाँ पर ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो ये हमारा टर्मिनल आप देख सकते हैं, ये हमने, मैंने आपको दिखाया कि हमने सेम कॉन्फ़िगरेशन पे लगाया हुआ है। अब बेस को हमने रेजिस्टेंस के थ्रू वायर से किया हुआ है। तो देखिए, बेस पे ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के थ्रू ये मेरी वायर आ रही है, ये वायर है। कलेक्टर को हमने पॉजिटिव के साथ दिया हुआ है और पॉजिटिव से ही, मीन्स कलेक्टर से ही वायर आ रही है। तो ये मेरा कलेक्टर है लेफ्ट हैंड साइड का, कलेक्टर को मैंने जंपर वायर के थ्रू पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और यहाँ से ही मैंने ये वाली वायर हमने ली हुई है। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। चलिए इसकी वर्किंग एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। ये हमारी बैटरी है, ये देखिए, ये हमारी वायर्स हैं, ये हमने बैटरी ज्वाइन करी, ये देखिए जैसे ही इन दोनों को मैंने टच किया, ये कलेक्टर पे टच किया, मेरी फिंगर के थ्रू इसके बेस पर वोल्टेज चली जाएगी।
ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और कलेक्टर और एमिटर में कंडक्शन हो जाएगी, जिससे कि एलईडी और बजर ऑन हो जाएंगे। एलईडी ग्लो करेगी, बजर बीप करेगा। उम्मीद है आपको ये सर्किट पसंद आया होगा, आपने इसमें कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये सर्किट अच्छा लगा, आपने इसमें कुछ सीखा, तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। और अगर आप ये किट परचेस करना चाहते हैं तो ये अनअसेंबल्ड किट आप हमसे परचेस कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और ये किट आपको सारे कंपोनेंट्स, ब्रेडबोर्ड और सर्किट डायग्राम के साथ मिलेगी। थैंक यू।